अपने होस के बिल्डिंग के पास तो मैं आ चुका हूँ। अब इसके अंदर उनका घर कौन सा है मेरे को नहीं पता, उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा है एकदम, ये भाई भूल भुलैया जैसा है। हाय, हाउ आर यू सोफी? यहाँ पर मैं अब इनके घर पे दो रात रुकने वाला हूँ। यू लिव हियर अलोन? यस। सेपरेट चाबी आपको दे दिया है, उनके पास भी सेपरेट की है। ओह शिट, 904 के ये बस है, मेरे दौड़ना पड़ेगा। छूट गई यार, शिट। इज ओके टू रिकॉर्ड? You don't know Ivan Pavlov? No, I'm red. Hello. जहाँ मेरे को उतरना था, इस स्टेशन का नाम है दिनामो। यहाँ से मेरे कौसरफर जो है उनका घर बहुत ही पास है, यहाँ से बाई वॉकिंग डिस्टेंस है। वही देखना पड़ेगा कि जाना कैसे, कहाँ जाना है। मेरे पास अभी सिम कार्ड है नहीं, इंटरनेट है नहीं, तो गूगल पे मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया हुआ है। तो उस ऑफलाइन मैप में मैं अपना जो एड्रेस मेरे होस्ट का वो डाल के पैदल चल के जा रहा हूँ। अराउंड 1 किलोमीटर दिखा रहा है यार। गूगल मैप फॉलो करते करते अपने होस्ट के बिल्डिंग के पास तो मैं आ चुका हूँ। अब देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है ये। अब इसके अंदर उनका घर कौन सा है मेरे को नहीं पता, उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं। और मेरे पास सिम कार्ड भी नहीं है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ, यहाँ कैसे जाऊँ मैं। मॉर्निंग के 7:30 बज रहा है, यहाँ तो लोग भी नहीं दिख रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। दिस डोर, फोर फ्लोर, व्हाट यू वांट? यस, दिस आई हैव टू प्रेस 4441. It's open. 4441 number. Yes, yes. Okay, apartment number. Apartment, yes. Okay, thank you so much. Спасибо. तो भाई एक लोग मिले, उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो उनसे मैंने पूछा, उनको भी नहीं पता था, तो उन्होंने मेरे होस्ट को कॉल किया अपने फ़ोन नंबर से, तो बात किया, तब मेरे को गाइड कर रहे हैं। फोर्थ फ्लोर पे है भाई, 41 फ्लैट नंबर उनका, तो जाता हूँ सीधे। भाई कुत्ते भी देख के पहचान जा रहे हैं भाई कोई बाहरी आया हुआ है। तो ये है भाई क्लासिक सोवियत बिल्डिंग्स, जो कि सोवियत के टाइम की बनी हुई हैं, आप देख सकते हो बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है। यहाँ पे मेरे को फोर्थ फ्लोर पे जाना है, ऐसा लग रहा है बिल्डिंग जैसे कि एटलीस्ट 50 साल पुरानी हो। कोई दिख नहीं रहा है, पता नहीं अंदर कोई है भी कि नहीं है, ना तो पहले ना कुछ है। जो मिला था उसमें कोई खोला नहीं, शायद गलत बिल्डिंग थी। इन दूसरी बिल्डिंग में आया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एकदम, ये भाई भूल भुलैया जैसा है। कहीं 40 लिखा है, कहीं 20 लिखा है, कहीं क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी मैंने किसी का फ़ोन लेके अपने होस्ट को कॉल किया है, तो वो नीचे आ रही हैं, आ गई। हाय, हाउ आर यू सोफी? It's fine. But it's so confusing. Yes, it's so confusing. Moreover, it has the sectors of the building, mm-hmm. and all the corridors are connected on each floor. Okay, okay. So all the building connected is yes. same corridor. Okay, and okay. And each sector has its numbers. Like the building on the fourth floor has 6 41st apartments. And they are like elementary part. Okay. So you really have to enter the right door downstairs, or you will knock on the wrong 41st apartment. Thank you for coming down. No problem. Is this your first time in Moscow? No, it's my second time. Second? Yeah. My buildings are fine. This is just this one that's confusing. Yes, very classical and very beautiful building, to be honest. All those old ones look very classical. And this way is my apartment. Okay. Be sure you remember. Come on in. I should remove my shoes here? Yeah, inside. Okay, thank you. This is the couch I made for you. Okay, you okay. Probably thank you, no problem. Okay, thank you. You will go for work today? Yeah, I'll go for work in a few minutes. Okay, and when will you come back? I don't know, when I get bored working. Okay, no problem. Have you been back
vaccinated? I am fully vaccinated with both doses. Yeah, me too. You also vaccinated. My second one yesterday. Sputnik? Yes. Okay. You also had Sputnik? No, I took Indian vaccine. Mm. But Sputnik is also there in India. Really? It's not available. Mm-hmm. Do you want some water? Yeah. First I fill this with the tap water, right? Yes, the tap water goes here and then it filters, okay, both okay. Drinkable okay. And you know, thank you. Doesn't taste that bad. फ्लाइट के बाद अब जाके पानी मिल रहा है, शायद 3-4 घंटे हो चुके हैं. मेरी होश है सोफी यार, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर. शी इज़ रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा नेचर लगा इनका मेरे को. यहाँ पर मैं अब इनके घर पे 2 रात रुकने वाला हूँ और परसों मेरी बहुत ही ड्रीम ट्रिप शुरू होने वाली. मैं आपको मे बी शायद इस वीडियो के एंड में या अगले वीडियो के स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ, तो तब तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है. एंड बेसिकली यू आर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ रशिया? Yeah, I'm from Moscow. I was born in Moscow. And what about you? Your family, parents? Also live in Moscow. Moscow, separate house. Yes. Okay, okay. You live here alone? Yeah, I'm renting here. You're renting here, okay, okay. Yes. My parents, they have a flat in Moscow, but... They have their own flat? Yes. Okay. And it's big, it has 3 rooms, but I don't feel comfortable living with my parents. Okay, I understand, I understand. And also my grandmother is there, and my parents are fine. I lived with them in the pandemic, these 4 months of lockdown. At our dacha, we have a house there and some land. Mm-hmm. Outside Moscow, and it was fine. But my grandma, she wouldn't. She's a very nice lady. I love her very much. But when I live with her, she's everywhere. She will stand near you and say, "What are you thinking? What are you doing? What are you looking for?" All the time. All the grandmothers are like this only. Yes. Is MTS? Yes, it is MTS. MTS, okay. I will buy SIM card in the evening, then I will return you back. Uh-huh. Yeah, your key is here. Okay, bye. Evening. See you in the evening. Yeah. Okay, paka. Paka. So guys, मेरी host Sophie अपने किसी काम से बाहर गई हुई हैं और घर का ये key मेरे को दे दिया उन्होंने. और मैं उनसे आज पहली बार मिला, मुश्किल से आधे घंटे उनके घर पर रहा हूँगा उनके साथ. बहुत सारी हम लोगों ने बातें की, तो सब कुछ तो मैं वीडियो पर डाल नहीं सकता क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा. और फिर आधे घंटे बाद ही वो बाहर चली गई घर का चाबी देके, और कह रही शाम को आएंगे. टाइम फिक्स नहीं है, कब आएंगी कब नहीं आएंगी उनको नहीं पता है. कह रही आप कभी भी घर से जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि सेपरेट चाबी आपको दे दिया है. उनके पास भी सेपरेट की है और उन्होंने मेरे को एक्चुअली उनके फ़ोन में 2 सिम कार्ड था, तो 1 सिम कार्ड उन्होंने मेरे को दे दिया है और बोला है कि आप ये सिम कार्ड शाम तक या कल तक यूज़ कर लो, या जब तक मेरे यहाँ तक यूज़ कर लो, जब जाने लगता है मेरे को वापस कर देना. तो मैं क्या करूँगा, आज शाम को या कल सिम कार्ड ले लूँगा और इनका सिम कार्ड वापस कर दूँगा. मैं मॉस्को में 2 दिन हूँ, आज और कल. परसों मेरे को अगली जगह निकलना है, मैं आपको बताऊँगा फिर वो. तो ये एक ऐसा इनका ये रूम है, कुछ बहुत ही प्यारा सा घर है, आप देख सकते हो. जो मेरी होस्ट हैं, शी इज़ अ साइंटिस्ट इन बायोलॉजी, और ये घर उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, फ्लैट एक्चुअली. और उनके पेरेंट्स मॉस्को में ही रहते हैं बट सेपरेट घर में रहते हैं, उनका खुद का घर है. और ये बेड इन्होंने मेरे को दिया हुआ है खुद का, मतलब मेरा खुद का पर्सनल बेड मेरे को दिया हुआ है. और ये बालकनी है यहाँ पे, जिससे बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है. सामने ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है, नाम नहीं पता कर लूँगा मैं. अब जैसे जैसे दिन हो रहा है वैसे वैसे धूप निकल रही है, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं. शी इज़ अ वेरी नाइस पेंटर, देख सकते हो कितनी अच्छी पेंटिंग इन्होंने बनाई है, सभी पेंटिंग लगी हुई है. ये किचन है, इन्होंने बोला आप कुछ भी ला के यहाँ कुक कर सकते हो. 2 माइक्रोवेव है, ओवन है, इंडक्शन है, और ये फ्रिज है. बोले कुछ भी ला के यहाँ स्टोर कर सकते हो, अपना रख सकते हो, जो मनो जैसे यूज़ करो, नो इशू. ये वॉशरूम है. और रशिया में ऐसा कल्चर है, आप जब किसी के भी घर पर जाओगे तो घर के अंदर एंट्री करने से पहले, या तो घर के बाहर या घर के स्टार्टिंग में ही, आप अपने शूज़, और विंटर हैं तो अपने जैकेट उतारने पड़ते हैं. तो घर के अंदर यहाँ पे शूज़ उतारने पड़े हैं, चाहे ओनर हो चाहे गेस्ट हो, कोई भी हो, कोई भी घर हो,
बाहर या स्टार्टिंग में शू उतारने पड़ते हैं और विंटर से तो फिर जैकेट उतारने पड़ते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे घरों में ऐसा कल्चर है एटलीस्ट शूज़ का कि बहुत लोग घर के बाहर शूज़ उतारते हैं, तो वैसा यहाँ भी काफ़ी कुछ कल्चर्स में सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे और रशियंस के बीच में। गुड इवनिंग गाइस फ्रॉम मॉस्को रशिया। अभी अब मैं अपने सीएस यानी काउचसर्फिंग होस्ट के घर पे हूँ। वो लैब भाई है, अपनी लैब की चाबी ले जाना भूल गई जल्दी जल्दी में, आई डोंट नो जो भी रीज़न हो। तो उन्होंने मेरे को बोला है आप थोड़ी देर में रेडी हो गए मेरा लैब आ जाओ, उन्होंने मेरे को अपना एड्रेस दे दिया है और चाबी लेके आ जाना। तो मैं फटाफट रेडी हो गया हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, उनके लैब जा रहा हूँ। बहुत दूर नहीं है, अराउंड 3 किलोमीटर्स है। तो बोल रही वॉक करके भी आ सकते हो, नहीं तो बस चलती है, बस से भी आ सकते हो। तो मैं लोकल बस ट्राई करता हूँ, लोकल बस से जाता हूँ। ओ भाई मास्क लेना भूल गया मैं, मास्क लेना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। ऑल दो आई एम फुली वैक्सीनेटेड, मैंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, मास्क लगाना ही पड़ेगा। और वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं कि आप कोरोना प्रूफ हो चुके, आपको कोरोना नहीं होगा। हाँ ये कोरोना को लीथल नहीं होगा, ये हो सकता है, बट कोरोना तो हो सकता है ना। और भाई सुबह कितना बढ़िया मौसम था, एकदम शानदार, हल्की हल्की ठंड लग रही थी, अभी एकदम उल्टा हो चुका है, बहुत तेज़ धूप निकल आई है और साथ में गर्मी भी लग रही है। अब यहाँ रशिया में स्पेशली मॉस्को में कार्स फोर व्हीलर्स व्हीकल्स एक से एक शानदार शानदार है। आपको यहाँ पे दुनिया भर के हर एक ब्रांड्स दिखेंगे। यहाँ रशिया में ऑलमोस्ट सारे मैप्स काम करते हैं इंक्लूडिंग गूगल मैप्स, बट जो रिकमेंडेड है वो है यांडेक्स मैप्स या फिर maps.me। तो मैं सुबह गूगल मैप्स यूज़ कर रहा था, गूगल मैप्स यहाँ अच्छा है बट बहुत सारे ऑप्शन गूगल मैप्स में नहीं आते हैं और थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, बहुत सारे रूट्स गूगल मैप नहीं बता पाता है। तो मैं अपने फ़ोन में यांडेक्स मैप यूज़ कर रहा हूँ, बस मैंने अपनी लोकेशन डाली है जहाँ मेरे जाना है, जहाँ मेरे होस्ट का घर है ये देखो, और दिखा रहा है आपको कहाँ चल के जाना है। इस लोकेशन में मेरे को चल के जाना है, यहाँ से ये बस मिलेगी, ये बस में बैठूँगा, सीधे छोड़ेगी मेरे होस्ट के लैब के बाहर कुछ यहाँ पे, बस थोड़ा सा वॉक करके पहुँच जाऊँगा लैब। धूप देख रहा भाई, गजब की धूप है यहाँ पे। पेडेस्ट्रियंस के लिए रेड लाइट है, अब लोकल है ये भाई साहब अभी तो क्रॉस कर गया, लेकिन मेरे को रुकना पड़ेगा। सबसे ख़ास बात है यांडेक्स मैप्स की ये है कि ऑफलाइन भी काम करता है, गूगल में बहुत सारे फंक्शन ऑफलाइन में काम नहीं करते हैं। यानी अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, सिम कार्ड नहीं है, वाईफाई नहीं है, तब भी आप यांडेक्स मैप ऑफलाइन डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। शायद वहाँ पे कुछ बस खड़ी है, शायद वही स्टॉप है, वहीं से बस मिलेगी। ओह शिट 904 के ये बस है, मेरे दौड़ना पड़ेगा, पता नहीं देखते हैं पकड़ पाऊँगा कि छूट जाएगी, लग रहा छूट जाएगी बस, लेट्स सी। मेरे पास मेट्रो वाला कार्ड है, वो बस में काम करता है, तो अलग से मेरे को टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। छूट गई यार, शिट, रुक गई रुक गई रुक गई रुक गई यार, ड्राइवर ने गेट बंद कर दिया था, मेरे को देख के गेट खोल दिया वापस। यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी मास्क नहीं लगाया, मेरे को इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अब अगर कोई मेरे को टोकेगा तो मैं भी उतार दूंगा, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। इज ओके टू रिकॉर्ड, ओके। दिस इज माय इंस्टीट्यूट, इट इज कॉल्ड फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल पैथोलॉजी। ओके, यू वर्क हियर? या। ओके, यू डूइंग पीएचडी हियर? आई डू पीएचडी। ओके, इज वेरी ह्यूज, entire building is empty, no one is here because it's summer time. Okay, everything is on location. Bhai bahut bada campus hai, it's a very huge, very very big campus. This is where I work, this is my room, please come in. Yeah, remove the shoes. No, it's fine. Okay, this is Ivan Pavlov. Okay, who is he? I don't know, sorry. You don't know Ivan Pavlov? No. The one who got Nobel Prize for, okay, reflexes. Okay. Working with dogs and saliva, you know. Okay. This is where we keep stuff. Oh, you see, it's very old. Most things old here. Here we have a
beautiful notebook from 98. Yeah, from 98. It works. Still works. Almost 25 years old. Yeah. Initially, Apple का जो उस समय कंप्यूटर आया करता था 1995-98 के आसपास, 90s में बोल सकते हैं, आज से 25-30 साल पहले, वो इस लैब में है और आज भी ये काम करता है नया जैसा ये बोल रही हैं. ये मॉनिटर है इतना पुराना. Territory of the institution. Okay, so whole campus. Yes, you see, this is our red building, and this is pharmacologist's red building. Okay. They have a very nice building, and we don't, because pharmacologists make a lot of money. Okay, they make and lot of money. We do fundamental research. It's not that well funded. So the entire process, entire research is funded by government, or is a private? Yes. Government. No, private research is not. Possible not in Russia. Possible, okay. See the door? You can hide there if there is bombing. It's like a bunker? Yes. Okay. Insulation over there? Oh, yes. It is from Soviet times? Yes. Okay. So even if someone drops bomb, nothing will happen inside this? Sure. Okay. भाई आप लोगों को ये दिख रहा है, ये सोवियत एरा के टाइम का, जब USSR कंट्री हुआ करती थी, कई कंट्रीज को मिला के, तो उस टाइम का ये बंकर है. तो मान लो कुछ भी हो रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, कोई भी वॉर हो रहा है, लोग इसके अंदर चले जाएंगे. वो वेंटिलेटर है तो ऑक्सीजन वगैरह वहाँ से आती रहेगी, और इसके ऊपर चाहे जो गिर जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बम, कुछ भी, अंदर जो लोग रहेंगे उन्हें कुछ नहीं होने वाला है. नथिंग विल हैपन टू द पीपल हु आर इनसाइड, राइट? इसके बारे में मैं आज से 5 साल पहले सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था. मैंने सुना था कि मॉस्को में कई जगह टाइप के बंकर्स बने हुए हैं सोवियत के टाइम्स के, जो उसके अंदर आप चले जाओगे तो यहाँ पे कुछ कोई भी अटैक हो जाए आपको कुछ नहीं होने वाला. आज ये फाइनली देख रहा हूँ. Well, these have been in these conditions for 6 months. 6 months? Yes, in social isolation. And I'm trying to see if they have any changes in the behavior or in the brain molecular structure. And what food is this? This is combicorm, normal red food, I don't know. They just bring it in the box. Okay. And you know, we have... this medicine that is only tested in male rats, and it just doesn't work as good in female rats. So okay. I would like to, as a feminist, I would like to give my best to provide medicine for women also. Can you see a rat? Hello, I'm a rat. Hello. यहाँ पर आपको जितने सारे रैट्स दिख रहे हैं, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इनके ऊपर होते हैं, फिर उनका बिहेवियर देखा जाता है. सोफी इनके ऊपर, सोफी की सब प्राइवेट रैट्स हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारे रिसर्च और करती रहती है, उनका फिर बिहेवियर देख के उसको रिकॉर्ड करती हैं, फिर उसके बेसिस पे कई सारे रिजल्ट डेरीवेट होते हैं. तो आगे होता है बहुत कुछ, मेरे को बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितना ये बता रही मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ.